या बद हो पुरख विधाता ता तू सोहिया वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर हर हां नानक कसमल जाहे नाए है रामदास सर सोटी सुल्तान पिता धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी अते मेरी पीरी दे मालक धन धन श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र स्थान श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे बंदी छोड़ दिवस के संबंध में दर्शन इशनान करन आए गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी ओ गज के फतेह बुलाओ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। मेरी पीरी दे मालक धन धन श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी महाराज ग्वालियर दे किले विचों 52 सियासी कैदी राजियां नूं रिहा करवा के अज दे दिन सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे पहुंचे जिथों जिथों दी सतगुरु जी लंघ के आए संगतां ने खुशी मनाई। श्री अमृतसर साहिब जी विखे पहुंचन ते सत्कारयोग माता जी माता गंगा जी दी प्रेरणा दे अनुसार ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी ने संगतां नूं नाल लै करके घिओ दे दीवे बाल के दीपमाला कीती। अज भी संगतां सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे दीपमाला कर रहियां हन खुशियां मना रहियां हन। भाई साहिब भाई गुरदास जी दे वचन हन सतगुर बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे उडीना। आप जिन्नी भी संगत सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे हाजरी भर रहे हो जां घरां विच बैठ के सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी तो दर्शन कर रहे हो भागां वाले हो। साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी महाराज साढ़े सारियां ते कृपा करन सानू विकारां ईरखा ते हंकार दे बंधनां तो मुक्त करन अते सदा लई सानू अपने चरणा नाल जोड़ के रखन ते जीवन मुक्ति दी दात बख्शिश करन। सदियां तो ही खालसा पंथ दी इह रवायत रही है के बंदी छोड़ दिवस मौके समुच्चा खालसा पंथ सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे जुड़दा है दर्शन इशनान करके अपने जीवन नूं सफला करदा है। सदियां तो यह रवायत रही है कि सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी दी दर्शनी दिओड़ी तो पंथ दे नाम ते संदेश पंथ दी माए नाज हस्ती जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी वल्लों जारी कीता जांदा है। सो अज इत्थे समुच्चा खालसा पंथ सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे जुड़िया होया है। हुण बेनती करदा हां सिख पंथ दी माए नाज हस्ती सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी दे मुख ग्रंथी अते जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी कौम दे नाम ते संदेश जारी करना सारी संगत मन बिरती एकाग्र करके सरवण करन दी कृपालता करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। रूहानियत
ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 52 ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਦੀਪ ਪਾਲਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਖੂਨੀ ਪੈਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜੁਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਤਕਦੀਰ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਦੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਕੜੇ ਸਮਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣੀ ਫਲਸਫੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਉਲ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ 2% ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਡੈਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੱਕ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਧੜਾ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਕਿਰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਬਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
श्रोमणी कमेटी कोई पेशेवर सिखलाई संस्था स्थापित करे। अकाल पुरख की कृपा सरकार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख नौजवानों मुफ्त में प्रशासनिक सेवावां की प्रीख्या की तैयारी लई सिखलाई केंद्र स्थापित किया गया है, जिस विच पंजाब तो इलावा जम्मू कश्मीर अते होरना सूबिया तो सात सूरत सिख बच्चे बच्चिया सिखलाई लै रहे हैं। सिख कौम नूं देखा देखी अपने बच्चे पढ़ाई जां रुजगार वास्ते विदेशां विच भेजण दी बजाए उन्हां नूं देश अंदर रहिंदिआं अपनी काबिलियत ऊर्जा उशारू दिशा वल सेवित करके उच्च प्रशासनिक आर्थिक डॉक्टरी सिक्ख्या तकनीकी वणज वपार के खेत्र विच भी अगे आने लई प्रेरित करना चाहीदा है। देश विदेश के सिखां नूं चाहीदा है कि वध तों वध सिख नौजवानों नूं प्रशासनिक सेवावां जिवें कि IAS IPS आदि विच शामिल करवाउण लई एक कौमी फंड बोर्ड भी स्थापित किया जाए ता जो जिथे इस बार श्रोमणी कमेटी वालों 50 सिख बच्चे बच्चियों नूं प्रशासनिक सेवावां प्रीख्या की तैयारी करवाई जा रही है उत्थे आउंदे सालां विच गिणती सैकड़ों तक पुज सके। श्री अकाल तख्त साहिब महसूस करता है कि सिखां नाल जिथे आजाद भारत विच बहुत बेइंसाफियां होईआं हन उत्थे ही अपणीआं सजावां तों दुनिया दुनिया सजावां भुगतण दे बावजूद भी सरकारां वल्लों बंदी सिंघां नूं रिहा ना करना जिथे वड्डी बेइंसाफी है उत्थे ही मनुखी अधिकारां दी भी भारी उलंघना है। सिख कौम दे हिरदिआं नूं ठंडा करन लई संबंधित सरकारां समूह बंदी सिंघां नूं तुरंत रिहा करन। पिछले 28 सालां तों जेल विच बंद अते 17 सालां तों लगातार 8 फुट दी फांसी दी चक्की विच बंद बंदी सिंह जिंदा शहीद भाई बलवंत सिंह जी राजोवाणा दा समुचा सिख कौम सत्कार करदी है। भाई राजोवाणा दी कुरबानी जज्बे हाठ अते दृढ़ इरादे दी श्री अकाल तख्त साहिब शलाघा करता है। भाई राजोवाणा कोई भी अजिहा कदम ना चुकण जो उन्हां दी जिंदगी अते कौम लई चिंता वाला होवे। पिछले 12 सालां तों उन्हां दी फांसी दी सजा खत्म करन दी अपील देश दे गृह मंत्रालय कोल पई होई है, जिस उपर फैसला ना होना सिखां नूं देश दे अंदर दूजे दर्जे दे शहरी महसूस करवाउंदा है। राजीव गांधी दे कातलां अते बिलकिस बानू दे परिवार दे कातलां दी रिहाई तों स्पष्ट संकेत है कि देश अंदर सिखां नाल गदकरा कीता जा रहा है। केंद्रीय सरकार वालों श्री गुरु नानक देव जी दे 550 साल दा गुरपुरब मौके 8 बंदी सिंघां दी रिहाई अते भाई राजोवाणा दी फांसी दी सजा नूं उम्र कैद विच तब्दील करन बारे नोटिफिकेशन जारी करके वी मुकर जाणा सिख कौम नाल वड्डा धोखा है। देश दी सुप्रीम कोर्ट वालों भी वार वार देश दे गृह मंत्रालय नूं दिशा निर्देश दिते गए हन कि उह भाई राजोवाणा दे संबंध विच अपील बारे जल्दी फैसला करे, पर केंद्र सरकार दा इस दे बावजूद भी तस तों मस ना होना वड्डी बेइंसाफी है। केंद्र सरकार सिखां नूं अपने देश अंदर बेगानगी दा अहसास ना करवाए, नहीं तां सिखां नूं मजबूरन इस तों अगली रणनीति बारे सोचना पवेगा। श्री अकाल तख्त साहिब अज दे संदेश विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं आदेश जारी करदा है कि उह समूह बंदी सिंघां दी रिहाई लई गंभीर यतन करे अते भाई राजोवाणा दी फांसी दी सजा नूं उम्र कैद विच तब्दील करन लई ठोस कदम चुके। समूह गुरु नानक नाम लेवा पंथ अते पंथक जथेबंदियां भी इस कौमी कार्ज विच मोहरी सफा दे तौर ते यतन करन। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समूह पंथक दलां अते जथेबंदियां दी इस संजीदा मुद्दे उत्ते जल्द इकत्रता सदे। श्री अकाल तख्त साहिब इस मौके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी आदेश जारी करता है कि उह भी इस संबंधी अपना सार्थक रोल अदा करन। कमेटी दे समूह अहुदेदार गृह मंत्रालय नाल अपने नेड़ले संबंधां दी वरतों करदिआं होइआं भाई राजोवाणा संबंधी अपील उत्ते छेती फैसला करवाउण लई गंभीर यतन करन अते इस संबंधी कीते यतनां दी रिपोर्ट 15 दिनां दे विच विच श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे भेजण। खालसा जी आओ अज बंदी छोड़ दिवस ते जिथे छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे ग्वालियर दे किले विचों रिहा होण दी पवित्र याद विच आपो अपने घरां ते दीवे बाल के दीपमाला करिए, उत्थे शब्द गुरु दे प्रकाश दे नाल
अपने मन का प्रकाश भी करिए जो गुरु उपदेशा जीवन धारण करके खालसा पंथ और सिख कौमियत के निरालेपन उजागर किया जा सके। अज बंदी छोड़ दिवस से जिथे खालसा पंथ सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे जुड़िया है, श्री अकाल तख्त साहब जी विखे जुड़िया है, उत्थे समूह निहंग सिंह जथेबंदियां टकसाला के मुखी साहबान और उन्होंने वालों भेजे हुए नुमाइंदे भी पहुंचे हुए ने। मानयोग संत बाबा हरनाम सिंह जी मुखी दमदमी टकसाल, संत बाबा बलवीर सिंह जी पंथ अकाली बुढ़ा दल, संत बाबा अवतार सिंह जी सुर सिंह वाले, संत बाबा निहाल सिंह जी हरिया वेलों वाले, संत बाबा जोगा सिंह जी तरना दल बाबा बकाला साहब वाले और समूह निहंग जथेबंदियां जिथे पहुंचिया हुई ने उत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब मैंबर साहबान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सकत्र साहब धर्म प्रचार कमेटी के सकत्र साहब और गुरु श्री दरबार साहब जी के मैनेजर साहबान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। समुचिया संगतान अज इस पावन स्थान पर पहुंचने पर बहुत बहुत जी आया। फिर तो समुचे खालसा पंथ को अज बंदी छोड़ दिवस दिया बहुत बहुत बधाइया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब, जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जिन्होंने पंथ के नाम संदेश जारी किया। सिंह साहिब जी ने पंथ के पंजाब दियां जो दरपेश मुश्किलां उन्हां तों जाणू करवाया है। समुची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन करने वास्ते बाबा हरनाम सिंह जी मुखी दमदमी टकसाल, बाबा बलबीर सिंह जी पंथ अकाली बुढ़ा दल, बाबा अवतार सिंह जी सुर सिंह वाले, बाबा निहाल सिंह जी हरिया वेलों वाले, बाबा जोगा सिंह जी तरना दल बाबा बकाला, समूह टकसाला समूह निहंग सिंह जथेबंदियां प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमरजीत सिंह जी भलाईपुर, सरदार अजैब सिंह जी अभ्यासी, सरदार गुरमीत सिंह जी बोहू, समूह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सकत्र साहबान, धर्म प्रचार कमेटी के सकत्र साहबान, मैनेजर श्री दरबार साहब जी, समुचा स्टाफ, समुची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। समुचे खालसा पंथ को समुची संगत को बंदी छोड़ दिवस दिया बेअंत बेअंत बधाइयां। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।